इस हफ्ते के जो एनिमल रेस्क्यू है ना, उसके अपडेट देने से पहले मुझे बता दो, लोग पूछ रहे थे मास्टर जी कैसा है। मास्टर जी एकदम बिल्कुल ठीक है, पूरी तरीके से, न्यूटर सर्जरी भी उसकी हो चुकी है। आपको पता है मास्टर जी को अडॉप्ट करने के लिए आपको क्या करना है? जो बुल है, हाँ जी, जिसके टेस्टिकल में इंजरी थी, हाँ, ये आपने लास्ट टाइम कहा था कि इन्फेक्शन था, हाँ, लेकिन पस क्लियर हो चुकी है, वुंड हील हो रहा है अभी अच्छे से। तो अब की बार जो केसेस आए, मेरे को सबसे ज्यादा कंसर्न था वो जो डिस्टोशिया वाला केस जी, था जी। उसका क्या हुआ? उसके तीन बच्चे थे टोटल, एक तो मदर ठीक है, मदर बिल्कुल ठीक है, अभी उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो हेल्दी है, ऐसे तो कोई इशू नहीं है, सर्जरी का सूचर ठीक होने पे हम उसको रिलीज कर सकते हैं। हुआ क्या उसका? जो एक बच्चा था वो तो ऑलरेडी फंसा हुआ था, तो उसकी डेथ हो गई थी, अंदर में दो बच्चे और थे जिसमें से एक डेड निकला और एक थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव कर पाया, लेकिन नहीं हो पाया उसका। पर अब उसके साथ ये दोबारा नहीं हुआ, क्योंकि हम उसको स्टरलाइज करके रिलीज करेंगे। जो हल्ला कर रहा था ब्लैक रिट्रीवर, तो शिमला जी जो लेकर आई थी उन्होंने हमें कॉल किया, हमने उनको समझाया कि ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, वहाँ सिर्फ ऑइंटमेंट लगानी है, तो वो आकर उसे वापस लेकर गई अपने साथ। ओ, मुझे लगा आपकी कल उससे बात हुई इसलिए रात को वो नहीं भौंका। नहीं सर, हम उसको वॉक पे लेकर गए थे तो शांत था, लेकिन अच्छा हुआ कि बात हो गई, हमारे लिए और एक जगह थोड़ी सी बन गई। वेल थैंक यू सुषमना जी। उसी के साथ आपने एक दो डॉग्स और रवाना करे हैं ना, एक तो वो था जिसकी नोज ब्लीड थी, ये नॉर्बलिंगा से हमें केस आया था, उसके वुंड था एक नाक में, उसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग हो गई थी, लेकिन हमने प्रॉपर मेडिकेशन कर दी तो ब्लीडिंग भी रुक गई, और जो छोटा सा वुंड था उसके लिए हमने उनको एंटीबायोटिक टैबलेट्स दे दी जो वो वहाँ पर दे सकते हैं। तो इन लोगों से आप फॉलो अप करते हो फिर कि ऐसा सही चल रहा है? हम फॉलो अप करते हैं, जैसे आप पर्सनली करते हो? हाँ जी, जो मैगेट वुंड मैंने केस छोड़ा, जो पेट था पहले स्मेल की वजह से उसको रख नहीं रहे थे, लेकिन फिर हमने सब वुंड क्लियर करके जो सिर्फ वुंड रह गया था उसकी ट्रीटमेंट हमने वहाँ पर शुरू कर दी, 5 दिन ऑलरेडी हो गए हैं ट्रीटमेंट होते, रिकवर भी कर रहा है, तो वो एक केस भी हमारा। ये कौन सा मैगेट वुंड जिसको लोग भगा रहे थे? सारे मैगेट वुंड केसेस का हिस्ट्री यही है कि लोग उनको भगा रहे, चाहे उनके खुद के ओनर ही क्यों ना। अब मैगेट वुंड केसेस हमारे इतने हैं कि मैं आपको यही बता सकता हूँ कि भाई या तो वो यहाँ रिकवर हो रहे हैं या सड़क पे किसी केयर टेकर के यहाँ रिकवर हो रहे हैं। एक सवाल जो मैगेट वुंड से रिलेटेड हमें बहुत आता है ना, वो ये कि भाई आप लोग तो वीगन हैं, गाय को हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, तो फिर आप मैगेट्स को क्यों हार्म पहुंचाते हैं? देखिए, साइंस ने अभी कंफर्म नहीं किया कि मैगेट्स दर्द महसूस कर सकते हैं, तो हम तो उसी बेसिस पे ऑपरेट करते हैं जो चीज़ हमें फॉर अ फैक्ट पता है, जो हमारे लिए तथ्य है, और वो ये कि भाई गाय को दर्द हो रहा है, कुत्ते को दर्द हो रहा है, अगर हमें इनको दर्द से निजात दिलानी है तो हमें मैगेट्स को निकालना पड़ेगा। आपका भी यही ओपिनियन है? आप सोचते ही नहीं? नहीं सर, मैं सोचती हूँ इस बारे में, वो पेन जो एक जिंदा जानवर को कोई और जानवर खा रहा है, वो कंटिन्यूसली लगभग चलता जाए तो वो डेढ़ हफ्ता तो आराम से वो लोग खा के, तब तक उसकी डेथ नहीं होती है ना, यूजुअली हमने यही देखा है, तो वो जो सफरिंग होती है उससे तो बेटर ही है ना ये चीज़। कई बार लोग कहते हैं पर फिर भी आपने लाइफ तो ली, दर्द उसको नहीं हुआ उससे क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लाइफ की कोई इनहेरेंट वैल्यू है, मुझे लगता है पेन की एक नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारा मोटो लाइव्स सेव करना नहीं, हमारा मोटो पेन कम करना है। और आपने किसका पेन कम किया इस हफ्ते? आर्टिकल जैसा सेम केस जिसके नेक पे वायर ट्रैप लगी है, रिकवरी इसकी अच्छी चल रही है। उसके अलावा हमने एक और मैगेट वुंड केस हमारा तैमूर, उसको लिया है। तैमूर के बारे में हमने आपको बताया था, ओल्ड डॉग है, यहाँ से रिकवर होके जा चुका है, हमने कहा उसको सड़क पे आप कर सकते हैं इलाज, पर वो लोग नहीं कोऑपरेट कर रहे थे, हालांकि वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पर उसको कैनल में रख के कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ पे हालांकि वो उनके दुकान में उन्होंने बंद करके रखा था जब हम गए, लेकिन ऐसे यूजुअली उनका कहना था कि पकड़ नहीं सकते, तो वही है कि एक सिर्फ डीमैग डाल के आप जब वुंड ट्रीट कर सकते हो तो डॉग को यहाँ सेंड करना ही उनका मेन मोटो हो जाता है उस टाइम पे। अब ज्योति की ड्यूटी जो है ना सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है, मतलब नॉट कि ऑफिस आना होता, पर ये सुबह उठती है, ये एनिमल्स के बारे में सोच रही होती है, इसके दोस्त भी इसके साथ हैंग आउट करना इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि रात को भी ये काम के बारे में बात कर रही होती है। अगर इस तरह का व्यक्ति जो सारा दिन एनिमल से डील कर रहा है, इतना काम कर रहा है, उसके बाद भी ये 2 बिल्लियों की सफरिंग पर्सनली कम कर रही है, तो हम में से हर कोई थोड़ा थोड़ा तो कर सकता है। बाय द वे, सुबह काउज के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट आया, राजेश्री जी ने मंगाया था, उनका बर्थडे तो कल था, आज डिलीवर हुआ है, मैं अभी शाम को अनवेल करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। आपकी जो टीम है जो सारे यहाँ पे रेस्क्यूज को अंजाम दे रही है, उससे अभी मिल सकते हैं या
ऐसा ना हो कि आपका और काम में खराब कर। नहीं नहीं मिल सकते हैं क्योंकि अभी तो इन्होंने इम्पोर्टेंट सारे काम सुबह निपटा लिए हैं। मैं बुला सकती हूँ जब तक ज्योति बुला रही है डॉक्टर हिमांशु का। तो भैया केस लोड इतना बढ़ गया क्योंकि डॉक्टर गुलशन धर्मशाला एनिमल रेस्क्यूज में ट्रेनिंग कर रहे हैं जो WBS के द्वारा कराई जा रही है ताकि जो उनके सर्जरी का इंसिजन है वो काफ़ी छोटा हो जाए। हम इसके बाद बड़ी जल्दी स्टरलाइजेशन सर्जरीज कर सकते हैं जिनका पोस्ट ऑप पीरियड कम रहेगा। नवीन को डॉग ने बाइट कर लिया है तो वो छुट्टी पे है। अभिलाष का इसीलिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। साहिल तो अपनी छुट्टी वाले दिन भी आके रेस्क्यूज करने जाता है। अभी अगर हमारी पूरी टीम एकत्रित हो जाती है मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये जो सारे लोग लाइन लगा के ऐसे खड़े हैं ना जैसे कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हो, ये हमारी रेस्क्यू टीम है जो सारे रेस्क्यूज को अंजाम देती है। आप खुद इंट्रोड्यूस करेंगे या मैं करूँ? अक्षित हमारे पैरावेट, राज हमारा काउशेड देखता है, गौरव हमारा ग्रूमिंग एक्सपर्ट, सुधांशु हमारे साथ लेटेस्ट जुड़े हैं, ये हमारे मिसलेनियस है, राधा कम ऑन राधा, देव हमारा चिकन्स का देखते हैं बैल मुझे मारने के चक्कर में, डॉक्टर हिमांशु हमारे वो वाले वेट हैं जिनको रिलैक्स जॉब नहीं चाहिए, एंड ज्योति तो आपको पता है मेरी आईवेशी मेरी सगी बहन होती। संजय भैया एनिमल रेस्क्यू टीम में हैं तो नहीं पर ये हर चूरण में अमलतास की तरह जुड़े हुए हैं, और ये हमारा रॉक स्टार आया साहिल, ये सब लोग जो हैं कम दिखते हैं पर आज ये पकड़ में आ गए हैं। हमने आपको बताया था जामुन फिर वापस आ गया था, उसको अंदर किसी ने बांध लिया था, हमने फिर उसका इलाज करके उसको रिलीज कर दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर वापस आ गया। जामुन वापस आ गया ना फिर, वो पीछे वाले गेट पे वेट कर रहा था, मैं पीछे जा रही थी काउचर, मैंने गेट खोला और वो अंदर आने को तैयार है ना, इस बार नई हेड पे बीच की इंजरी लेके आया डॉग बाइट। और ज्योति इसको रखने को तैयार नहीं है? नहीं सर, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बिल्कुल यहाँ पे, और ऑलरेडी डॉग्स जो केज रेस्ट पे हैं उनको मैंने 6 केजेस मेरे ब्लॉक्ड हैं। ज्योति झूठ बोल रही है, जगह है हमारे पास, बाहर वाले जो बंगलोज हैं मैंने कहा है कि जामुन को वहाँ पे रख दो, आइडियल नहीं है लेकिन इसको परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। शुरू से उसकी आदत रही है ना, एक जगह में नहीं टिक पाता वो, हो सकता है वो वहाँ से भाग जाएगा। हाँ। अब एनिमल वेलफेयर में कोई भी अच्छे आंसर्स बहुत कम मिलते हैं, तो एक ये है कि भाई बिल्कुल जीरो करने से अच्छा हम ये ट्राई कर लेते हैं, ठीक है लो प्रोबेबिलिटी है बट कुछ ना करने से बेटर है। जी। तो प्लीज कमेंट्स में ज्योति को कहिए कि जामुन को बंगलोज में रखने दे, ठीक है क्लिनिक में नहीं है, हम कम से कम हमारी पकड़ में तो रहेगा ना। और वो जो है बच्चा जो आया था अपनी मदर की रिकमेंडेशन पे, या उसका क्या हुआ? उसकी ट्रीटमेंट चालू हो चुकी है एंड अभी तो एक ही दिन हुआ है उसको तो, पर शांत है। हाँ वो शांत है बिल्कुल। हमारी गाय के लिए एक गिफ्ट आया जो राजेश्वरी जी ने दिया है, और अभी हम उसको एनिमल एरिया ले जा रहे हैं और हम वहीं पे टेस्ट करेंगे। ये वैसे साहिल अकेले उठा सकता है पर कैमरे के लिए मैं इसके साथ उठा के ले जा रहा हूँ। तू मेरे आ जा बेटी जी, अगर किसी के हाथ में छुरी हो ना उससे तो तू दूर ही रह जा। ये पता है हम कितने टाइम से ऐसा कुछ चाहते थे और कभी हमें मिला नहीं ना। आपको वैसे बता दूं ये है क्या, ये वो है भाई जिससे गाय घोड़े खच्चर अपने आप को रगड़ के खूब मसाज कर सके अपनी, और ये ऐसा नहीं है कि बाजार में मिलता है, आपने कहाँ से बनवाया? जो लोग सड़क क्लीनिंग रोड क्लीनिंग ब्रश जो बनाते हैं ना उनसे बनवाया, मेड टू ऑर्डर स्पेशल। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि रोड क्लीनिंग ब्रश वाले ये बना देंगे? एक्चुअली मैंने कोई फार्म से ही पता किया था, उनका वीडियो देखा था और उनको पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी इसी तरह से बनवाया था अपने फार्म के लिए। मैं तो देख रहा हूँ कि बेटी जी आगे से अपने आप को रगड़ेगी है। वो ब्रश आपको प्रेफर कर रही है। इसका रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे अगले हफ्ते। एक क्यों भाई वो जो ब्राउन काओ आई थी वो जो FIR वाली, तो मुझे फ़ोन आया था किसी का कि वो नहीं, हाँ नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई थी सर। वो बहुत ज़्यादा पेन में थी ना वो काओ, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके स्पाइन 4 जगह से टूटी हुई थी और पीछे के हिस्से में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी जहाँ से कुछ ऑर्गन बाहर आ रहे थे, तो हमें पहले ही अंदाज़ा था कि वो नहीं बच पाएगी, इसलिए मैंने उसको पालमपुर नहीं भेजा था क्योंकि वो बहुत सफ़र करती रास्ते भर में। तो उसको आपने पेन किलर पे रखा? पेन किलर पे रखा था। ये गाय की जगह डॉग होता ना कोई तो हम यूथनाइज कर सकते थे। मारोगे तो मारूंगी मैं तुमको। कौन है ये? भूतनाथ। ओ भूतनाथ, पर भूतनाथ उड़ता है? भूतनाथ उड़ाता है? उड़ता है भूतनाथ, उड़ता है, इसको कौन उड़ाता है? हमारा ये थानोस। थानोस, थानोस को रोटी बनती है। भूतनाथ तंग कर रहा है मुझे।
अच्छा, मुझे एक मैडोना का अपडेट मैं लेना भूल गया था आपसे। इसका जो ट्यूमर है वो बढ़ रहा था और उसने खाना बंद कर दिया था। LFT KFT सब कुछ किया, CBC वगैरह, तो अभी तो बेटर है। ये सब ब्लड टेस्ट हैं, LFT, KFT। तो ब्लड लेवल्स में कोई इशू नहीं है अभी, उसका हीमोग्लोबिन बस थोड़ा सा डाउन है, लेकिन उसका सर्जरी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जैसे और डीले करेंगे तो फिर वो और बढ़ेगा, क्योंकि अब बढ़ने लगा था। तो मैंने प्रतिभा तो मैंने प्रतिभा से बात की थी क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स आए हुए थे। प्रतिभा वो हैं जो धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू चलाती हैं। तो उनसे बात की थी, तो वहाँ पर इसकी सर्जरी हुई, तो वहाँ पर पता चला कि इसको पायोमेट्रो का भी इशू था, जिसमें पस आती है सर, काफ़ी ज़्यादा पस थी शरीर में, वो भी निकली, और भी एक दो कॉम्प्लिकेशन थे, लेकिन सर्जरी ज़रूरी थी। तो सर्जरी वहाँ अच्छे से हो चुकी है, डॉग वहीं पे है। उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि इसमें 50% चांस रहेगा, कॉम्प्लिकेशन रहेगी। बहुत ओल्ड डॉग पर वो ठीक है ना अभी? अभी ठीक है डॉग। तो मैडोना जब आएगी तो हम अगले हफ्ते आपको मिलवाएंगे उससे। सवेरा ये ढीला लग रहा है। हाँ सर, इसकी हमने अभी लाइक 10 मिनट्स पहले ही इसकी ट्रीटमेंट करवाई है, क्योंकि सुबह से डल लग रहा था काफ़ी। खड़ा हो रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन ये खाना नहीं खा रहा है। इसको हम लोग मिल्क ज़बरदस्ती फीड कर रहे हैं। ज़बरदस्ती एज इन हम लोग सिरिंज से फीड करें, खुद से कुछ भी नहीं ले रहा है अंदर ना। तो अभी जब तक मिल्क ले रहा है फिर भी अगर सिरिंज से, तब तक तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फ्लूइड थेरेपी शुरू करेंगे। इस पर कोई गीली बोरी वगैरह रख? अभी करेंगे सर, अभी पानी चल रहा है। मैं नहीं, इसको गीला नहीं करूँ, इसके ऊपर बोरी रख दे अगर हम गीली कोई। सर मेरे को डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बछड़ों के नाम से थोड़ा सा ना हाइपोथर्मिया का डर रहता है ना, कि कहीं मतलब गर्मी है मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी है बछड़ा ना, अगर मैं कम्प्लीटली उस चीज़ को। हाँ, पूछना बेहतर है। हाँ, मैं कर दूँगी। मुझे लगता है हमें डॉक्टर से ही पूछ के करना चाहिए। हाँ भाई, आप बड़े ही रिमोट रूरल एरिया में जहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, तब हमें फिर अपनी जो समझ बन पड़े उससे इलाज लेना चाहिए। उसमें भी किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ जरूर लेना चाहिए। जो एक मैं डॉग के बारे में आप लोगों को बताना भूल गया था, वो जो एक ब्राउन डॉग आया था, जब हमने साहिल को मैंने फ़ोन किया था डिनर के बाद, वो आया था जिसका पैर एकदम सूजा हुआ था। उस समय पता नहीं लगा था कि टूटा हुआ है नहीं, एक्चुअली स्वेलिंग थी ना। तो जो लेके आए वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे साहिल को, मैंने फ़ोन किया, साहिल ने उसको पेन किलर दिया, मेलोनिक्स दिया था ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, पर वो ये नहीं चेक कर पाया था कि हड्डी टूटी हुई है या नहीं। तो वो यहीं पे है? नहीं सर, उस पपी को हमने नेक्स्ट डे पालमपुर में एक्सरे के लिए बात की थी, तो पता चला कि तीन दिन के लिए बंद है अभी हॉस्पिटल्स। तो हमने उसको वहीं पे जहाँ जो उसके कॉलर्स हैं उनके घर में रखवाया है, क्योंकि उन्होंने उसको फॉस्टर करने का प्रॉमिस किया था। वो अभी वहीं है, जब पालमपुर अभी ओपन होगा तो हम वहाँ लेकर जाएंगे, एक्सरे कराएंगे, एंड तब फिर हम प्रोसीड कर पाएंगे कि पिनिंग सर्जरी रिक्वायर्ड है कि नहीं। आपने उनको केज दिया है? हाँ सर, केज दिया है। मेरे को लग रहा है उनका शायद स्ट्रे पेट कुछ तो उनका रिलेशनशिप है। घर में ऑलरेडी डॉग्स हैं काफ़ी, एंड वो हमसे पहले भी कनेक्टेड रहे हैं। ये लोग हेल्प करते हैं स्ट्रे एनिमल्स की, तो इतना तो था हमें भरोसा। देखिए, NGOs तो बहुत कम हैं, लेकिन लोग तो भारत में बहुत सारे हैं, तो अगर लोग हरकत में आए तो सभी जानवरों की मदद हो जाएगी। ख़त्म भाई, ख़त्म। रोटी तो मेरी ख़त्म हो गई, पर अपडेट ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जिसके किसी ना किसी किरदार से आप रिलेट ज़रूर करेंगे। एक पेड़ था जिसपे बहुत से फल लगे हुए थे, इतने फल कि उसकी शाखाएं बोझ से नीचे तक थी। अब एक एक करके लोगों ने वो फल उतारने शुरू कर दिए, और जैसे जैसे फल उतरे शाखाएँ ऊपर जाने लगी, और एक समय के बाद लोगों की पहुँच से वो फल बाहर हो गए। फिर लोगों ने फल उतारने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो जो पेड़ को पत्थर लगे वो तो लगे ही, पर जो आसपास वाले गुजर रहे थे उनको लगा कि ये पेड़ ही ख़राब होगा, तभी तो लोग इसको पत्थर मार रहे हैं, आसपास इतने पेड़ हैं इन पे कोई पत्थर क्यों नहीं मार रहा, भाई उनको कोई पत्थर क्यों मारेगा, उन पेड़ों पे तो कभी फल लगे ही नहीं थे। अब जिन पेड़ों पे फल नहीं लगने उस पे तो नहीं लगेंगे, और जिस पे लगते हैं उस पे सीमित ही लगेंगे। पर ये हमारे हाथ में है कि जिस पेड़ पे फल ख़त्म हो रहे हों उस पे हम पत्थर मारें या नहीं, और हम किसी को पत्थर मारता देखें तो हम उसके साथ हो जाएं या उसको टोकें।